अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछली कक्षा में पार्ट टू बचपन का विवरण किया गया था जिसकी लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। तो इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, यह तो सामान्य है। दादी का बचपन और हमारे बचपन में बहुत अंतर है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम भाषा की बात यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर पढ़ेंगे। भाषा की बात यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा, यानी संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। ये दोनों के डेफिनेशन सीखेंगे और इसके एग्जांपल्स यानी उदाहरण भी समझेंगे हम। संज्ञा मीन्स नाउन, परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। तो क्या है? किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी का नाम, स्थान या वस्तु यानी थिंग्स, प्लेस एनिमल्स थिंग्स यानी इन सब का नाम का जब बोध होता है या पता चलता है तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भारत, यानी भारत क्या स्थान की जगह इसका प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। राजेश यानी किसी भी व्यक्ति यानी प्राणी, लिविंग बींग्स के लिए जिस किसी का नाम है तो ये राजेश यानी ये किसकी जगह पर इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति मेज यानी कोई भी वस्तु। तो इस तरह का क्या है, इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखिए, भारत, राजेश, मेज यानी आदि मीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन की प्लेस पर हम या जो इसे यूज करते हैं जो वर्ड्स उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं, हम, तुम, आप, यह, वह आदि। तो हर जगह पर नाम लेने की जगह हम मैं या हम, तुम, आप या ऐसे शब्दों का प्रयोग करने को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों अच्छा, तो बच्चों संज्ञा सर्वनाम की परिभाषाएं समझ गया, आगे हम इसका उदाहरण समझेंगे। देखिए आप, संज्ञा का उदाहरण क्या, राजेश बहुत होनहार लड़का है। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित यानी ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसे संज्ञा कहते हैं। राजेश जहाँ पर नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। भारत महान देश है, यहाँ पर भी भारत को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो ये क्या है, संज्ञा यानी नाम कहलाता है। सर्वनाम, मैं कल पाठशाला जाऊंगी, मैं क्या है, ये सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। हम सब मिलकर विहार यात्रा पर गए, विहार यात्रा यानी एक्सकर्शन यानी पिकनिक पर गए। विहार यात्रा का अर्थ समझ गए बच्चों, हम सब मिलकर विहार यात्रा पर गए, तो हम क्या है यहाँ पर, सर्वनाम यानी प्रोनाउन है। तो बच्चों आज की कक्षा में भाषा की बात यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषाएं तथा उदाहरण स्वरूप आप सब ये पढ़े और लिख देखे। होमवर्क में यानी गृह कार्य में इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अच्छा, तो बच्चों संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ आप उदाहरण देखें, आप गृह कार्य में उदाहरण स्वरूप संज्ञा और सर्वनाम के 5-5 उदाहरण लिखिए, गृह कार्य में 5-5 उदाहरण लिखकर रखिए आप। और होमवर्क के लिए न्यू बुक यानी नोटबुक नहीं रखिए और नीट हैंडराइटिंग में सुलेख सुंदर अक्षरों में इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।